जाता हम लोग कहाँ पहुंच गए फाइनली वी हैव रीच्ड दुबई। सो गाइस बस यही छुपा के रखा था, हम लोग दुबई पहुंच गए हैं और हम लोग को इमिग्रेशन कंप्लीट करने दीजिए और फिर हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोग के साथ। बहुत गर्मी है, पहुंच गए बट इट्स गुड। हम लोग को वाईफाई मिली है फ्री का और हम लोग घर पे कॉल करके सबको बताते हैं कि हम फाइनली पहुंच गए हैं और बहुत तेज भूख लगी है। वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद द एयरलाइन जो हम आप लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे और मे बी आप लोग को कुछ हेल्पफुल हो उसके बाद, बट पहले इमिग्रेशन कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। ड्राइवर को कॉल करना है, अभी सिम लेना है, तो उसके बाद मैं आप लोग को डिटेल में बताती गाड़ी मिल गई हम लोगों को और गर्मी बहुत है। बस अब एयरपोर्ट से निकले, हम लोग ने सिम ले लिया। इट्स अ वेरी स्मूथ इमिग्रेशन गाइज। आई थिंक थाईलैंड, सिंगापुर और उसके बाद दुबई इज़ माई थर्ड मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल, लेकिन मुझे अभी तक का स्मूथ इमिग्रेशन अभी तक का हाँ दुबई लगा। और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी लोगों की, इतने हेल्पफुल लोग, सिम एक्टिवेट करके दिया सब कुछ और इतनी प्यारी जगह अभी तक एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी ड्राइवर भी भैया भी आई थिंक कुछ कार्ड वर्ड कुछ कराने गए हैं और हम लोग गाड़ी में बैठे हैं तो बहुत तेज भूख लगी, बहुत सारा सुपर हंग्री। अभी हम लोग होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे। इवनिंग का प्लान ये है कि वी हैव टू गो टू डाउ क्रूज, तो आई थिंक वी कैन फ्रेशन अप। आप पसीने देख सकते हो बट दिल्ली से थोड़ा कम गर्मी मेरे को लगा ऐसा, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मेरे को थोड़ा सा गर्मी कम लगा। बट या इट्स अ वेरी स्मूथ इमिग्रेशन, सब कुछ ट्रांजिट एंड ऑल बहुत अच्छे से हुआ। सो अभी एक बार होटल में जाके चेक इन करके आपसे दोबारा मिलते हैं। बेटर है, दिस इज स्टैंडर्ड। और ये आई नो आई डोंट शो यू मी बिकॉज मैंने बहुत ही वियर्ड कपड़े पहने। और ये छोटा सा रूम है, दिस इज बेडरूम, थोड़ा सा मैसी किया हम लोगों ने, एसी ऑन। सुजु खाना ऑर्डर करी है, बहुत तेज भूख लगी हमें। आयरन ये, दिस इज मी एंड बेड। उन्होंने हमसे पूछा था कि वेदर यू वांट अलग अलग बेड और एक साथ, हमने बोला यार हमें एक साथ चाहिए। और व्यू इतना अच्छा नहीं है इसका, आई थिंक यहाँ पर वॉल एंड ऑल है, बट हमें कुछ नहीं करना होटल में। खाना आ गया है, दिस इज वेज बिरयानी, दिस इज चिकन बिरयानी, सैलड, पापड़ एंड दही, आई मीन रायता। और इतनी भूख लगी हमें, ये हम लोग इंडिया से लाए फॉर डिनर, लेकिन हमें बहुत तेज भूख लगी, तो हम अभी खाएंगे और सुजाता जल्दी जल्दी परोसो, भूख लगी है फटाफट। तो हमने अच्छे खासा लंच किया एंड इट कॉस्टेड अस ऑलमोस्ट 55 दिरहम्स फॉर वेज बिरयानी, अ चिकन बिरयानी विद फुल सैलड, रायता और ऑल्सो वी गॉट पापड़। तो रीजनेबल था, हम बाहर नहीं जाना चाहते थे अभी बिकॉज हम सुबह से निकले थे, वी वर रियली टायर्ड। सो वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद स्पाइस जेट टुडे विच आई वॉन्ट टू शेयर।
एक्चुअली हम लोग एमिरेट्स से आ रहे थे दुबई, बट एमिरेट्स हम लोग को बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, ऑलमोस्ट लाइक हम दोनों को 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था. तो हमने रीजनेबल फ्लाइट देखा स्पाइस जेट. हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मेरे को स्पाइस जेट नहीं पसंद, क्योंकि डोमेस्टिक ऑल्सो आई इग्नोर स्पाइस जेट एंड रैदर आई गो फॉर इंडिगो. और विस्तारा और एयर इंडिया की तो बात ही अलग है. बट हमने सोचा कि 3 घंटे का सफर है, तो क्यों हम लोग, लेट्स नॉट वेस्ट 20,000, वो दिरहम हम दुबई में स्पेंड कर सकते हैं. तो हमने सोचा स्पाइस जेट इंटरनेशनल शायद बहुत अच्छा होगा. बट इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माई फ्रेंड. हम लोग वहाँ गए, हम लोग ने लाइक वी स्टेड, पहली बात तो इट फर्स्ट टाइम द स्पाइस जेट से इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने सोचा स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होगा उनका. बट हॉस्पिटैलिटी वाइज दे वर लाइक ज़ीरो. आके उन्होंने एक बार भी, जब खाना आ रहा था, तो उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा हम लोगों की यू वांट टू बाय समथिंग. ओके, फूड वाज नॉट फ्री, आई एम ओके विद दैट. बट एक पैसेंजर को पूछना पड़ता है कि आके कि इफ द फूड इज फ्री और नॉट, आई मीन सॉरी, इफ यू वांट फूड और नॉट, तो बाय हाँ, वन बाय समथिंग और नॉट, कुछ भी नहीं पूछा. और भी बहुत वो हंग्री, हम एक्चुअली में सोच रहे थे कि ब्रेकफास्ट हम लोग विल बाय एंड विल ईट, बट हमसे पूछे ही नहीं. और जब मेरी फ्रेंड ने बोला कि आप लोग ने हमसे तो पूछे नहीं, आप तो वो कलेक्ट करने आ गए, वेस्ट, तो शी सेड नहीं, हम इंडिविजुअली जाके किसी को भी नहीं पूछते हैं. सो आई डोंट नो उसका मतलब क्या था इस चीज़ का, बट मेरी फ्रेंड ने बोला वी वॉन्ट टू ईट समथिंग एंड दे हैड नो ऑप्शन, दे जस्ट हैड मैगी और उपमा एंड पोहा. सो हमने बोला एटलीस्ट वी वॉन्ट कॉफी, देन ब्लैक कॉफी विद नो शुगर. तो उसने हमें एक कॉफी ला के दिया विथ फोर कुकीज. सो मेरी फ्रेंड ने बोला कि हाउ मच आई हैव टू पे, तो ही सेड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. तो उसके बाद शी आस्क्ड मी कि मैम डू यू वॉन्ट एनी थिंग फॉर फॉर योर सेल्फ. आई सेड नो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग. उसके बाद कॉफी तो पिया नहीं गया बिकॉज वो गर्म पानी था. बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हम लोग एज अ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, इतना पे कर रहे हैं और हम लोग एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक वी एक्सपेक्ट कि चलो आप खाना फ्री में ना दो, इट्स फाइन, बट एक आके आप पैसेंजर से पूछ सकते हो. प्लस हमारे जो सीट के पीछे जो बंदे सब बैठे थे, दे वर लाइक स्क्रीमिंग एंड हाउलिंग एंड शाउटिंग. सो एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि दे पीपल स्लीपिंग अराउंड, कि आप थोड़ा सा कम चिल्लाइए एंड ऑल. और ट्रस्ट मी, द पैसेंजर्स बहुत ही वियर्डो थे. मेरे पीछे एक जो बंदा सो रहा था, ही वॉज लिटरली इतना वो स्नोर कर रहा था कि मेरी नींद खुल गई. ही वॉज लाइक लिटरली स्नोर. अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, वो सोते समय ऑब्वियसली स्नोरिंग एंड ऑल. बट एनी वेज, वो थोड़ा सा स्पाइस जेड हम लोगों को नहीं अच्छा लगा. तो आई वुड रिकमेंड, अब आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो दुबई कर रहे, मेरी गलती ये हो गई कि मैंने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में स्पाइस जेड ले लिया, शायद एमिरेट्स का एक्सपीरियंस अच्छा होता. बट एनी वेज, हम लोग अब दुबई लैंड हो चुके हैं. आप लोग को भी पता चल चुका है कि हम लोग दुबई में हैं, और अभी हम लोग थोड़ा सोने की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज बहुत टायर्ड है, फ्लाइट में सो नहीं पाए और ना खा पाए. तो हम लोग ने यहाँ पर आके खाया, अब हम थोड़ा आराम करेंगे. सो जो से गुड नाइट टू एवरीवन, बाय, गुड नाइट. गुड नाइट. ये तो बहुत गुस्से में थी, बहुत टायर्ड, जिसने सुना भी दिया एयर हॉस्टेस को. तो एनीवेज, अभी हम लोग सोते हैं और शाम की प्लानिंग में आपको दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं. वैसे आपको पता है, बट फिर भी हम वो जगह दिखाएंगे आपको. ठीक है, सो गाइस टेक केयर. तो 3 घंटे एकदम एकदम बेहोशी की हालत में सोने के बाद अब हम उठे हैं. अब हम लोग अभी फटाफट फ्रेश हुए हैं. आई डोंट नो यहाँ पर आके नींद, बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली टायर्ड थे और इतनी भूख भी लग रही है. उठते ही फिर से हमने खाना खाया जो बचा हुआ खाना था, और अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं. 7:15 हमारा पिकअप है फॉर दाओ क्रूज. सो हम लोग विल गेट रेडी एंड हम लोग निकलते हैं, फिर आपसे अपडेट करते हैं. ऐसे लग रहा है एकदम बिल्कुल नींद में ही अभी भी. सो लेट मी गेट रेडी एंड आई विल शो यू व्हाट वी आर वेयरिंग. वी आर रेडी फॉर आवर डाउ क्रूज डिनर, और दिस इज माई लुक. आई एम वेयरिंग अ ड्रेस और मेरी फ्रेंड तैयार हो रही है वहाँ पे. सो अभी हम लोग कुछ पिक्चर्स क्लिक करके इंस्टाग्राम में डालेंगे. ज़्यादा बहुत लाइट मेकअप करा है क्योंकि एक तो टाइम नहीं था हमारे पास, हम सोते रह गए, थोड़ा लेट उठे हैं, और दूसरा कि अभी 15 मिनट्स में लॉबी में हमारी गाड़ी आ जाएगी पिकअप के लिए हम लोग को. सो या शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रेडी एंड आई
अब जाके आई शो यू कि कैसा है डिनर है हमारा वहाँ पे डॉग क्रूज में और कैसे एनवायरमेंट है. सो दिस इज द फर्स्ट डे इन दुबई आफ्टर वी लैंडेड और फर्स्ट नाइट आउटिंग इन दुबई. यस फर्स्ट नाइट आउटिंग दुबई और आके शायद हम लोग सो जाएंगे. और कल हमारा है सम गार्डन. What is that? Miracle Garden and Village. So, आज शिराक को आके I'll update you about दुबई एयरपोर्ट में उतरने के बाद हमें RT-PCR करना पड़ा या नहीं पड़ा सब कुछ बिफोर आई स्लीप. सो गाइज स्टे ट्यून एंड एंजॉय माई दुबई व्लॉग्स. अब तो आप लोगों को पता चली गया मैं दुबई में हूँ. फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड स्टे अपडेटेड. पीछे वाला जो क्रूज है वो हमारा है इस द नाजल क्रूज. हम वी हैव रीच्ड. अब लोग बुकिंग देखेंगे और ऊपर जाएंगे. एक्साइटेड. डिनर है स्टार्टेड. वहाँ से ले सकते हैं और अभी हम लोगों ने सिर्फ स्टार्टर लिया है बिकॉज वी आर नॉट दैट हंग्री बट इट हैज अ फुल फ्लेज्ड डिनर. What a wonderful evening. It was amazing. और ये पसीना पसीना आप देख सकते थे. It was dance और खाना पीना बहुत अच्छा था. गर्मी है लेकिन इतना मज़ा आ रहा है चलने में. एक्चुअली मैंने बहुत दिनों बाद हील्स पहना है तो आई एम जस्ट वॉकिंग बहुत वियर्डली बट गाइस एक्सपीरियंस मैन अमेजिंग. और अब हम लोग इतनी प्यारी प्यारी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए अपने बस की तरफ जा रहे हैं. अमेजिंग. Finally,
फाइनली वी आर बैक अपने कमरे में और रूम में, और पीछे का इग्नोर करना, हम लोग ने अभी ऐसे कपड़े फैला रखे हैं, बट बहुत मजा आया. सो क्विकली आई विल गिव यू एन अपडेट कि जैसे मैंने बोला था, दिल्ली में तो हमारा आरटीपीसीआर चेक भी नहीं किया, सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किया कि आपके दोनों वैक्सीन लगे या नहीं. दुबई एयरपोर्ट में भी आते ही हमारा सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन सर्टिफिकेट ही चेक किया कि दो वैक्सीन लगे या नहीं. उसके बाद कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं मांगा गया. इवन होटल में भी हम लोगों को कोई आरटीपीसीआर, इवन होटल में वैक्सीन सर्टिफिकेट भी चेक नहीं हुआ. प्लस यहाँ पे मैंने देखा है कि अभी मास्क को बहुत छूट दे रखी है कि लाइक अगर आप मास्क नहीं भी पहनते हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बहुत लोगों ने पहना था और मैं भी सजेस्ट करूंगी कि सब लोग पहने, अभी भी कोविड नहीं गया. बट दुबई में आके फर्स्ट नाइट बहुत ही मजा आया. इट वॉज वी एंजॉयड अ लॉट. रात को जो डाउ क्रूज था, यू नो लाइक पार्टी एंड ऑल, इट वॉज फन. और अभी आई डोंट नो, इंडियन टाइम 11 बजे हैं, वॉज इट दुबई टाइम? टेन मिनट्स टू टेन है. हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रेश एंड अप होके, डिनर तो हो गया है, बहुत यम्मी डिनर है, आपने शायद वीडियोस में भी देखा हो आप लोगों ने. अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि कल हमारा दो जगह है, सो मे बी हमें जल्दी मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा. सो गाइज, गुड नाइट, स्टे सेफ, और मेरे व्लॉग को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए. आई नो इट्स अ वेरी नॉर्मल दुबई व्लॉग, बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. सो गाइस, गुड नाइट.